तो ये है मेरा होस्ट का घर, छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन एरिया काफ़ी खूबसूरत है। मैं जब बाहर निकलूंगा आप लोगों को दिखा भी दूंगा। और काउच सर्फिंग क्या होता है, देखिए काउच सर्फिंग ये होता है। काउच तो अभी बिखरा पड़ा हुआ है क्योंकि कल रात को मैं यहीं पे सोया था यार। ये था मेरा कल रात का आशियाना, मेरा 5-स्टार होटल ये था। हम लोग जो फुल टाइम ट्रेवलर्स है, हम लोगों के लिए ये तो 5-स्टार से भी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये बाहर की तरफ बैठने का छोटा सा जगह है जहाँ पे मैं सुबह काफ़ी देर बिताया आज। तो सामने छोटा सा लॉन जैसा है और इस लॉन के आगे जाएंगे तो रोड भी है, तो ये एकदम रोड के एकदम बगल में ये प्रॉपर्टी है। अब तो टाइम हो चुका है 10:30 बज रहा है और वेदर भी काफ़ी क्लाउडी है। कपड़े वगैरह धो के टांग के रखे ये लोग। बाहर का व्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, निकल के आप लोगों को सिटी घुमाऊँगा। ये है बाहर का हालचाल और देखिए यहाँ पे फल फ्रूट्स वगैरह मैंगो, सर्दी के मौसम में मैंगोज वगैरह यहाँ पे बेचा जा रहा है। अफ्रीका में मैंगोज काफ़ी बिकता है और साल के हर महीने आपको यहाँ पे मैंगोज मिल जाएंगे। इंडिया में तो बस गर्मी के मौसम में मैंगोज मिलते हैं, लेकिन अफ्रीका में पूरा साल मिल जाता है। मटाटू पकड़ के जा रहा हूँ सिटी सेंटर की तरफ, कोई अकाशिया मॉल ऐसा कुछ नाम का मॉल है, वहाँ पे जाऊँगा। वहाँ से मेरा होटल बुक किया हुआ है, तो फिर चेक इन करके फिर निकलेंगे ये शहर घूमने के लिए। वैसे फिलहाल मैं बैठा हूँ उगांडा का मटाटू में। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे गाड़ियों को मटाटूस बोला जाता है। नैरोबी में मैंने आप लोगों को दिखाया था, केनिया में छोटे मिनी बसेस को मटाटू बोला जाता है। यहाँ पर भी शायद बसेस को मटाटू बोला जाता होगा, लेकिन इधर छोटे छोटे ऐसे गाड़ी जो मिलता है यहाँ पे चलती है, इन गाड़ियों को भी मटाटू बोला जाता है। मटाटूज में काफ़ी भीड़ होती है भाई, मटाटूज में जर्नी करने वाले हर किसी के पास, या के लोकल हर किसी के पास कोई ना कोई लगेज वगैरह है। मटाटूज के अंदर बैठने के लिए जगह थोड़ा कम पड़ जाता है, लेकिन एडजस्ट करना चाहिए, एडजस्ट कर लूँगा, कोई बात नहीं। तो मटाटू से उतर के अभी मैं अकाशिया मॉल के सामने तो आ चुका हूँ, लेकिन मेरा होटल थोड़ा सा ऊपरी हिस्से में है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे है ये जगह। मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। सामने ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, ये वाला अकाशिया मॉल है, और इधर एक पेट्रोल पंप है, सिटी ऑयल लिखा हुआ है, और कैफ़े जावा सीजे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हैपनिंग प्लेस है, और काफ़ी पॉश एरिया है उगांडा में। तो चलिए थोड़ा इस जगह को एक्सप्लोर करता हूँ और फिर आगे की कार्यक्रम आप लोगों को दिखाते रहता हूँ। कंपाला सिटी सेंटर में ये जो जगह है, ये काफ़ी हैपनिंग जगह है। मुझे यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, पब और बर्थ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो कंपाला का काफ़ी हैपनिंग जगह है। वैसे कंपाला खुद ही एक हैपनिंग प्लेस है और नाइट लाइफ यहाँ का काफ़ी फेमस है। मेरे आजू बाजू में सामने पीछे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मुझे दिखाई दे रहे, बार्स दिखाई दे रहे, पब्स दिखाई दे रहे, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ का नाइट लाइफ कितना बेहतरीन होगा। काफ़ी भूख लग चुका है, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो देखता हूँ यहाँ पे कोई सस्ता वाला होटल या फिर सस्ता वाला कोई रेस्टोरेंट मुझे मिलता है कि नहीं। आइए चलिए दिखाता हूँ आप लोगों को भी। We will make it with milk or it's already milk. We're going to just pour it in the milk. Okay. Give me. I'm a traveler and I'm making travel experiences. I'm capturing my travel experiences. Don't worry. रेस्टोरेंट पे आके बैठा हूँ कुछ खाना खाने के लिए, और मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या खाओ, तो मोहतरमा से पूछा, उन्होंने कहा कि मैं अपने हिसाब से तुमको बता रहा हूँ। वैसे मैंने बताया कि वेजिटेबल में कुछ देने के लिए और विथ राइस, अब देखता हूँ क्या आता है, और कॉफ़ी पीऊँगा। पाउच पैकेट के अंदर कॉफ़ी है, तो मिल्क कॉफ़ी मैंने बोला, तो उन्होंने मिल्क कॉफ़ी मुझे दिया। What does it call? Batoke. Oh, it's made out of banana, right? Yeah. Okay. Basically that. So you have to enjoy. Okay. So यहाँ पे चावल और यहाँ के लोकल फूड बटोके मुझे दिया,
उन्होंने सजेस्ट किया कि बटोके खा के देखो, ये केले से बनाया जाता है और यहाँ पे कुछ वेजिटेबल वगैरह है। या व्हाट इज दिस वेजिटेबल? सम लीव्स एंड विथ ग्रेवी। तो और यहाँ पे हॉट चिली सॉस भी है, तो मुझे अगर तीखा पसंद है तो मैं तीखा मिला के खा सकता हूँ। थैंक यू। So is this Uganda's traditional food? Yeah. Mm. Oh. Is it nice? Is it made out of banana? What? The matoke? No. Just greens and ginnets. Okay. Some leaves. Mm. And that was in the batoke. Nice. Yeah. Yeah, with rice we make something like this. It's a similar kind of food we have all in. Oh, I have rice. Hey, with the sweet place. Yeah, it's good. Okay. That's thank nice. You. और खासकर के जो लोग वेजिटेबल्स पसंद करते हैं उन लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा है। ये जो वेजिटेबल है इसका टेस्ट काफ़ी यूनिक है। ऐसा टेस्ट मैं पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन उगांडा में आके यहाँ का लोकल डिश एंजॉय कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। कच्चा केला होता है, उसको उबाल के इसको बनाया गया है। विलेजेस में, गाँव में काफ़ी ऐसा खाना खाया जाता है। मुझे पता नहीं आप कहाँ से देख रहे हो ये वीडियो, कौन से क्षेत्र से देख रहे हो। आपके गांव में भी ऐसा खाना खाया जाता होगा, शायद खाया जाता होगा। अगर होता है तो बताइएगा आप। सोच के अच्छा लगता है कि हम लोग जब अपने देश से काफ़ी दूर घूमने जाते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर घूमने जाते हैं, और जाने के बाद जो खाना हमें परोसा जाता है, जो खाना हमें मिलता है, वो काफ़ी हद तक हमारे देश के क्विजिन जैसा ही होता है। हर एक देश के क्विजिन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज मिल ही जाता है। Anyway, kujana na mwanzo na raba nka hara bana sasa hivi ingawa na bonche karibu yetu ya fana.